नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल STK न्यूज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड जगत के मशहूर अभिनेता जो कि महेश बाबू ने आखिर कुरान शरीफ को लेकर क्या बड़ा बयान दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। वीडियो देखने से पहले अगर वीडियो को दोस्तों अभी तक एक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि चैनल से जुड़ी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। महेश बाबू एक साउथ इंडियन मूवी के एक बहुत ही अच्छे कलाकार और हीरो के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी मूवियों में जो है हीरो का किरदार निभाकर अपने फैंस को खुश किया है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महेश बाबू ने आखिर कुरान को लेकर क्या ऐसा कह दिया जिससे जो है उनके फैंस और मुसलमान भाई भी काफी खुश हो गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी विस्तार से। तो दोस्तों, अगर आप भी महेश बाबू के बड़े फैन हो तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी कुरान को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बॉलीवुड के हार्ट थ्रोब महेश बाबू की हालिया सफलता ने उनकी ब्लॉकबस्टर के साथ हजारों प्रशंसकों को आकर्षित किया है। एक सम्मेलन वीडियो के अनुसार जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां अभिनेता से इस्लाम पर बात करने का दावा किया जाता है और इसके सिद्धांत मूल्यों को बाद में सभी प्लेटफार्म पे ले लिया गया। जी हाँ, जब अभिनेता से आतंकवाद और इस्लाम पर सवाल किया गया था तो अभिनेता ने जवाब दिया कि आतंकवादी मुस्लिम नहीं है, उन्हें मुसलमान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रसूल और पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी इंसान या प्राणी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया है और न ही होली बुक कुरान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वास्तव में पवित्र पुस्तक न केवल आतंकवाद के खिलाफ बोलती थी बल्कि किसी भी प्राणी के साथ अन्याय के खिलाफ भी बात करती थी। मैसेंजर ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी मानव के प्रति किसी भी प्रकार का अन्याय पृथ्वी पर पूरी मानवता और स्वयं दूत के प्रति अन्याय के बराबर होगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान जब महेश बाबू से पूछा गया तो कुरान को लेकर उन्होंने ये बात कह दी, जिससे उनके फैंस भी काफी ज्यादा खुश हुए और सभी मुसलमान भाई भी इनके जो है इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हुए और इनकी बॉलीवुड में भी दोस्तों काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक से, और जी हाँ दोस्तों, अगर और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल STK न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।